कुछ और खबरें जान लेते हैं। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्य समिति की अहम बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए हर सदस्य का पंजीकरण जरूरी है। बिना पंजीकरण के किसी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। भोपाल में पार्टी दफ्तर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का जायजा लिया हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता ने। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। इसमें सत्ता और संगठन के साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, इसमें बीजेपी को हार मिली है, उसके बाद बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में विधानसभा स्तर के मंडल स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। चार बैठकें यहां पर रखी गई हैं। 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये बैठकें चलेंगी और इन बैठकों में भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा चुनावों का, क्योंकि साल के अंत में चुनाव होने हैं और जिस तरह की वर्तमान में परिस्थिति है उसे देखकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण कार्य समिति की बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और आज इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, रूपरेखा बनाई जाएगी, किस तरीके से साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सके। क्योंकि हाल ही में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आए थे तब उन्होंने 51% वोट शेयर के साथ ही 200 पार का संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करना है, जो नाराजगी आ रही है पार्टी के प्रत्याशी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बीजेपी कार्यालय से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ वैभव गुप्ता, नादी टीवी, भोपाल।